कि ममता बनर्जी जिस तरीका से बौखला गई है और जिस तरीका से अपना ये बंगाल में वो अपना आतंक फैला रखी है, और हमारे भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को जो वहाँ पे जाने से रोक देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को जो रोक देते हैं, तो मैं आपके चैनल से मैं बता देना चाहता हूँ कि यही खेल और यही चाल लालू प्रसाद यादव जी बिहार में किया था। आज उनका गति क्या है वो खुद समझ ले, कि जब हमारी वहाँ पे अब पब्लिक समझ चुकी है, अब वहाँ के हिंदू और मुसलमान सब समझ चुके हैं कि इनकी आतंक से तंग आकर के अब भारतीय जनता पार्टी को पूरे बहुमत से सरकार बनने जा रही है, और ये सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी को जिस जगह पे लालू प्रसाद यादव जी को रखा गया है उन्हीं के पड़ोस में ले जा करके इनको भी रखा जाएगा, ताकि यहाँ पे गरीब की हित की बात हो और गरीबी जाए, गरीबी दूर हो और गरीब भी सबके बराबर का हक मिले, और जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी जो सपना लेकर के आए थे वो सपना को पूरा करने के लिए हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी तैयार है, सबके साथ सबका विकास। इसमें भाई नरेंद्र मोदी जी जो लेकर के चल रहे हैं, इसमें न तो कोई हिंदू का नुकसान न कोई मुसलमान का नुकसान, ये सबका साथ सबका विकास को लेकर के ये चल रहे हैं। इसलिए हमारे मुसलमान ने भी, देखिए मेरा नाम मोहम्मद सलीम मंसूरी है, मैं मस्जिद गौसुल मीनार का मुतवल्ली हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूरी तरीका से फुल बहुमत से हम लोगों ने साथ दिया है और भारी बहुमत में वोट किया है, सपोर्ट किया है। अब हम लोग तन मन धन से साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की, और दोबारा सरकार बनाने के इच्छुक में हम लोग हैं, और हम लोग चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी दोबारा सरकार बने। ममता जी का जो ये जाति धर्म का कार्ड नहीं चलेगा, अब अब जाति धर्म का कार्ड नहीं चलेगा, अब तो घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी।